हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का यानी कि बिहार कांस्टेबल का सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां से देखिए, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है और एक बार हम पढ़ देते हैं बारीकी से। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, दो क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट यानी कि पहला जो डिस्काउंट है 10% तो द्वितीय छूट की दर क्या है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए, आप जानते होंगे कि बिक्री मूल्य क्या होगा, छूट क्या होगा, तो एक फॉर्मूला ऐसे याद रखिए। ऐसे हम लोग बेसिक भी बना सकते हैं लेकिन आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे एसपी इक्वल टू एसपी यानी क्या होता है, बिक्री मूल्य जानते होंगे, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी। और समझने के लिए 100 माइनस क्या करते हैं हम लोग, D1 और बटा में 100, 100 माइनस कितना हो जाएगा D2 और बटा में कितना हम लोग लिखेंगे 100। दो गो छूट है, अगर तीन गो छूट रहता जितना भी छूट रहता और आगे भी ले सकते थे, बस इसी में आपको इसी पे बना देना है, बस इसी फार्मूला पे। अब देखिए, तो एस पीस का बिक्रय मूल्य कितना में बेचा जाता है, 612 रुपया में। एमआरपी कितना दे दिया गया है यहाँ, अंकित मूल्य जिसको आप जानते हैं 800 रुपया। छूट जो प्रथम जो छूट दे दिया गया है कितना दे दिया गया है, 10%, तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिएगा 90। और इसमें कितना D2 हम लोग को निकालना है, दूसरा जो द्वितीय डिस्काउंट है उसी को हम लोग को निकालना है, तो 100 माइनस इसको कर देते हैं D2 और बटा में क्या हो जाएगा 100। बस अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए, दो जीरो से दो जीरो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अब इससे इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में ही कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54, फिर कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, यानी इतना 68 बार। आगे फिर अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो अगर 4 से करते हैं तो कितना बार में ही हो जाएगा, 4 से 2 से, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको लिख देते हैं 5, ठीक है। यहाँ से इसको अगर एक कैंसिल आउट कीजिएगा तो 17। अब देखिए, 17 × 5 ई वाला इंटू आ जाएगा, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा, 85, और 100 माइनस क्या हो गया, D2। तो D2 के जब वैल्यू निकालिएगा तो माइनस कितना चलाएगा, 15, ठीक है, और यहाँ दोनों तरफ होगा माइनस, तो ही जानते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2 इक्वल टू कितना परसेंट चलाया, 15%। यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट होगा, छूट मिलेगा, वो कितना का मिलेगा, 15% का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, आपका सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन है, एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। एक पूर्ण घन संख्या, घन यानी क्या, घन पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्या, क्यूब आपको ज्ञात करना है। संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें से कौन से संख्या से गुना कीजिएगा कि परफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा। तो इसके जानने के लिए आप पहले से भी जानते होंगे, स्क्वायर रहता था तो दो का पेयर करते थे, क्यूब पूछा है तो कितना का पेयर हम लोग लगाएंगे, 3 के। तो इस तरीका से सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 × 6, यहाँ इस तरीका से लिखते चलना। अब देखिए, यहाँ अगर यहाँ भी अगर पहचानिएगा तो कितना का क्यूब होगा, तो 7 का क्यूब होगा, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए 2 से हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34, और फिर दीजिए 15 × 2 = 30 और 1 = 0, फिर कितना से भी डिवाइड होगा 2 से, तो 8 × 16, 5 × 10 और 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, 7 × 14, 5 × 10, इस तरीका से। अब 5 से करेंगे तो 5 से कीजिएगा तो 17 × 5 = 85 और 15 × 5 = 75, आप कर दीजिएगा जल्दी में थोड़ा करें। इसी तरह से फिर अभी हम लोग के 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15, ये जाना है कितना का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 343 आप जानते होंगे, यही यहाँ हम बोल रहे थे, चलिए लेकिन आप समझ गए हैं। अब देखिए, तो ये 7 से फिर कीजिएगा तो यहाँ कितना चलाएगा, 49, और ये भी 7 से कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 7। अब पेयर देखिए, तो 3 को केस में पेयर करेंगे, 3 को क्यूब पूछा है, घन पूछा है, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 2 गो हो गया, ये भी 3, ये भी 3, तब बच गया कितना, 2 गो सिर्फ क्या है, 5, तो इसमें किससे गुना कीजिएगा तब परफेक्ट आपका चलाएगा क्यूब, तो कितना से, तो 5 से। 5 क्यों करेंगे, 5 से कि 5 सिर्फ कितना है, 2 गो है, तो 1, 5 और करना होगा तो 3 गो हो जाएगा, इसीलिए कितना से हम लोग करेंगे, आंसर हम लोग का कितना चलाएगा, 5, ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए सेकंड और क्वेश्चन नेक्स्ट को देख, इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम एंड वर्क का है, एक बार क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ देते हैं। ए तथा बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में दुगना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला
कर सकता है, नहीं बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ इफिशियंसी वाला आपको बताए होंगे, ए अनुपात बी रेशियो में हम लोग ले लेते हैं, तो ए क्या है दुगना है, तो इसको दो अनुपात कितना लिख सकते हैं हम लोग ए। आपको बताए होंगे अगर याद होगा तो ई वन डी वन, अगर देखे होंगे मेरा वीडियो तो, और डी टू, ई वन डी वन ई टू डी टू। अब देखिए तो सबसे पहले जिसका एफिशिएंसी दोनों के अगर मिल के दे तो दोनों के हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो दो ऐड एक कितना हो जाएगा तीन, दोनों के एफिशिएंसी और दोनों मिल के कितना दिन में काम करता है तीन दिन में, सॉरी दो दिन में, ठीक है दोनों का एफिशिएंसी कितना है तीन है और दोनों मिल के कितना दिन में उस काम को करता है दो दिन में, तो यहाँ दो ले लेंगे। ठीक है अब जिसका पूछता ए के पूछता बी के पूछता उसका निकालते तो पूछा है इसका, इसमें किसका पूछा है बी का, तो बी के पूछा है तो इफिशियंसी के जगह पर वन इंटू क्या हो जाएगा डी टू। अगर मान लेते हैं कि इसमें ए के पूछता तो ए के जगह पर कितना हम लोग यहाँ रखते, यहाँ दो रखते, ठीक है यही इसमें समझना है। अब बस डी टू निकाल देना है तो डी टू इक्वल टू कितना चलाएगा तीन दूना कितना चलाएगा छः दिन, तो कितना दिन में करेगा बी उस काम को छः दिन में। अगर पूछता आपसे कि ए कितना दिन में करेगा तो यहाँ दो हो जाता, दो दो कैंसिल हो जाता, कितना दिन चलाता तीन दिन। अगर इस ट्रिक्स को अगर आपको समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो प्ले लिस्ट में जा करके टाइम एंड वर्क का जाके आपको पूरा का पूरा आपका टाइप वहाँ मिल जाएगा, अच्छा से समझ जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार बारीकी से हम पढ़ देते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रैमूल पर बेचने की घोषणा करता है किंतु वह एक केजी के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यह पढ़ लिए बेईमान दुकानदार वाला टाइप से भी। अब तो देखिए इसको करना क्या है 900 ग्राम, तो कितना का प्रॉफिट एक केजी के लिए कितना का प्रयोग करता है 900 ग्राम, एक केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो कितना ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है 100 ग्राम का, तो बस प्रॉफिट लाभ इक्वल टू यही आप जानते होंगे प्रॉफिट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम ऊपर ले लेना है 100 नीचे में कितना हो जाएगा 900, ठीक है सीपी जो हम लोग लेते हैं इंटू कितना कर दीजिएगा 100। अब बस इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 100 बटा 1 कितना चलाएगा 9, इसी को आप कितना लिख सकते हैं 11.19%, कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा दुकानदार, तो 11.19%। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका भी आप जाके प्रॉफिट एंड लॉस के प्ले लिस्ट से जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं, उसका भी टोटल टाइप वहाँ बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए आपका द्विघात समीकरण का ये प्रश्न। अगर आप शुक्रवार वाला वीडियो देखे होंगे पहले का तो उसमें इस टाइप के हम क्वेश्चन को बनाए थे, तो चलिए देख लीजिए एक बार इसको भी। एक द्विघात समीकरण के मूल m प्लस एन तथा m माइनस एन है तो वह द्विघात समीकरण है। तो आपको बताए होंगे द्विघात समीकरण ये इक्वल टू फार्मूला ही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस क्या लेते हैं बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, बस इसी पे वैल्यू पुट कर देना था तो क्या हो जाता है यहाँ एक्स स्क्वायर, अल्फा के क्या वैल्यू दे दिया गया है एम प्लस एन, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस लेना है, बीटा का क्या वैल्यू दे दिया गया है एम माइनस एन प्लस है, अल्फा का क्या है तो यही रखना है एम प्लस हो जाएगा एन, ठीक है और एक क्या हो जाएगा बीटा का, तो बीटा का हो जाएगा एम माइनस एन, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस में प्लस में दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ एक्स होता है एक्स, अब देखिए तो दोनों के तो एम एम कितना हो जाएगा माइनस टू एम और टू एम और क्या लिखेंगे हम लोग एक्स, टू एम क्या हो जाएगा एक्स, और आगे देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग तो ई हो जाएगा, अगर आप जानते होंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जीरो, ठीक है सब में इसका जीरो जरूर ध्यान, तक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कहां से आया है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला जो देखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग लिख लिए, समझ गए होंगे। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी, टाइम एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 30% बोला गया है, तथा 60%
दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बची हुई दूरी यानी शेष दूरी जो बच गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल है। तो औसत चाल बराबर आप जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा क्या होता है कुल समय होता है। टोटल क्या ले लेते हैं हम लोग दूरी, तो दूरी कितना कितना दे दिया गया है, तो ऊपर ले लेंगे 30%, 30% यानी किलोमीटर भी लेते हैं अगर 100 किलोमीटर लेते हैं परसेंट में कहा है तो 30%, और फिर कितना है 60 है, तो यानी कि 60% सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए बोला है, 60 भी हम लोग ले सकते हैं, और बच गया कितना तो 30 और कितना हो गया 90, तो बच जाएगा कितना 10, ठीक है। इसी दूरी को क्या करेगा, तो दूरी हो गया, दूरी बटा क्या होता है समय, उसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं एवरेज स्पीड। तो देखिए तो दूरी तो 30 किलोमीटर के दूरी को कैसे तय करता है 20, तो 30 बटा आप क्या ऐसे लिखिएगा 20, इसको एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन समझिए इसी तरीका से इजी होगा आपका। इस 60 है तो 60 को कैसे कर रहा है तय, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 10 किलोमीटर बचा तो 10 के कैसे कर रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समझ रहे होंगे। बस अब इसी को काटा पीटी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ऊपर ऐड कर दीजिएगा था कितना चलाएगा, तो ऊपर ऐड कर दीजिएगा था आपका चलाएगा 100 आएगा ना, टोटल हो गया कितना 100। अब देखिए इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको भी कैंसिल आउट, इससे भी अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना चलेगा 1 हो जाएगा। अब 3 में 2 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना चलेगा 5, यहाँ भी 3 बाई कितना है 2, तो यहाँ भी डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 1। अब समझ रहे होंगे, तो कितना है ऊपर हो गया 100 100, और जोड़ लीजिए तो कितना चलाएगा प्लस 1 है इस तरीका से, तो हाफ हाफ डेढ़ डेढ़ कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना चलेगा 25, यही उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति का कितना स्पीड हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। तो चलिए अभी और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए, दो क्वेश्चन और है जो आसान ही है, आप आसानी से बना भी सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल क्या है इसे आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ का है, ये भी आसान है, दूरी इक्वल टू सिर्फ दूरी निकालना था, तो ये दोनों क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ए, ठीक है, और इसका भी क्या होगा ए, और दूरी इक्वल टू भी आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो हो जाएगा बड़ा, और जो भी क्वेश्चन छूट गया था आप अपना आंसर, जो भी क्वेश्चन नहीं बना है वो उसका आप कॉमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बना के डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, तो एक बार फिर से आंसर आप मैच कर दीजिएगा, इसका क्या चलाएगा ए नंबर होगा, इसका भी क्या होगा ए ही होगा, तो दोनों का क्या होगा ए, तो इसका आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, आप कितना सही बना उसका जरूर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।